सुंदर नगर स्थित हिमाचल प्रदेश राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में सहायक जिला न्यायवादियों के लिए राजस्व प्रशिक्षण के तीसरा शिविर का आज विधिवत शुभारंभ हुआ। मुख्यातिथि के रूप में पधारे सहायक निदेशक सतीश कुमार शर्मा ने इस 5 दिवसीय शिविर को दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा शिविर के लिए पहुंचे सहायक जिला न्यायवादियों को प्रशिक्षण की भूमिका बताई। मुख्यातिथि ने सभी को प्रशिक्षण किस प्रकार से उन्हें सहायक सिद्ध होगा इसका विस्तार से विवरण किया। वहीं इनसे पहले प्रशिक्षण के आए सहायक जिला न्यायवादियों की फीडबैक पर भी प्रकाश डाला तथा कहा कि प्रदेश सरकार के राजस्व संबंधी केसों में बहुत सहायक होगा। वहीं इस शिविर में सहायक जिला न्यायवादियों को एक्सपोजर विजिट के साथ निशानदेही प्रैक्टिकल रूप से करवाई जाएगी। अभी तक 55 से अधिक सहायक जिला न्यायवादी ऐसे शिविरों में भाग ले चुके हैं। रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को हमारे जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने अप्रोच किया था कि इनके अफसर साहिबान को ट्रेनिंग करवाई जाए, तो हमने भी ये मुनासिब समझा कि क्योंकि ADAs को रेवेन्यू का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने फिर थोड़ा सा इनको 3 बैचेस में इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अलॉट किए। हमने 3 बैचेस इसके लगभग 55 अफसर्स इनके 3 बैचेस में ट्रेनिंग लेने हमारे पास आए। ये तीसरा बैच है जो लास्ट बैच आज से शुरू हुआ है, अगले 5 दिन चलेगा। तो इसमें हम इनको रेवेन्यू की बारीकियों के बारे में बताते हैं और जो ये मैटर्स जो रेवेन्यू मैटर्स हैं जो ये कोर्ट में टेकअप करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इनको बेसिक रेवेन्यू का नॉलेज हो कि मैप कैसे जनरेट होता है और रेवेन्यू पेपर्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो इंटरप्रटेशन और फॉर्मेशन ऑफ द रेवेन्यू पेपर्स इसके बारे में हम बेसिकली इनको, और मोर ओवर जो टर्मिनोलॉजी जो रेवेन्यू की यूज़ होती हैं कॉमन पार्लेंस में, तो उसका भी पता होना ज़रूरी है, तभी सही ढंग से केस को ऑनरेबल कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है गवर्नमेंट के तरफ से। तो इसमें DC साहब हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका भी ये हमारे को डायरेक्शन थी कि इनकी ट्रेनिंग जो है हमने बड़े अच्छे ढंग से करनी है और ताकि इनको पूरा बेसिक नॉलेज हो रेवेन्यू का। तो इस सिलसिले में हमने जो इनका मॉड्यूल ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया है उसमें भी, बल्कि हमने एक्सपोजर विजिट भी रखा, हम एक्चुअल इनको डिमार्केशन कैसे करते हैं या मेजरमेंट कैसे करते हैं, कोई खसरा नंबर कैसे बनाते हैं, वो भी हम इनसे पर्सनली फील्ड में बनवा रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा फीडबैक इनका मिल रहा है। रहने की व्यवस्था भी हमारे यहाँ पर हॉस्टल्स हैं और रेस्ट हाउस है, वहाँ हम इनको ठहरा देते हैं। मेस यहाँ पे है हमारे पास, तो मेस में खाने का हो जाता है, तो ये इनको बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी हम इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं। तो बड़ी अच्छी फीडबैक हमें इनसे मिली है। जो 2 बैचेस इनके करके गए हैं, लगभग 47 ऑफिसर्स यहाँ से ट्रेनिंग 2 बैचेस में लेके चले गए, तो ये लास्ट बैच है और दोनों बैचेस की बहुत अच्छी फीडबैक हमारे को मिली है। इनके अपने भी ऑफिसर साहिबान, जैसे ओपनिंग जो फर्स्ट बैच हमारा निकला था उसमें इनके डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन पर्सनली आए थे और डिप्टी कमिश्नर जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट के, वो भी उस बैच को भी उन्होंने अपना संदेश दिया कि नेक्स्ट बैच में भी DC साहब पर्सनली आए। तो ही इज़ मेकिंग इट अ पॉइंट टू अटेंड दीज रेवेन्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिप्टी कमिश्नर साहब भी, और इनके भी कोई ना कोई अफसर साहब जो इनके DA हैं मिस्टर गौतम, वो भी बेचारे हर टाइम इसमें आते हैं, फर्स्ट बैच में भी वो। आपका फैसला के लिए जोगिंद्रनगर से कैलाश की रिपोर्ट।